हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शख्स की मदद के लिए अधिकारी ने उठाया उसकी चप्पल, फीते से मिला 12 लाख रुपए का सोना। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से तस्करी कर रहे हैं और तस्करी जब करते हैं तब किसी न किसी तरीके से वो पकड़े भी जाते हैं और इसीलिए ऐसे मामले हैं जो सुर्खियों में बनते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला कहां से आ रहा है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने चेन्नई एयरपोर्ट से आ रहा है, जहां पर हसन अली नाम का एक व्यक्ति दुबई से लौट रहा था। उस दौरान ही वो काफी ज्यादा सिंपल था, जैसे ही सब लोग आते हैं वैसे ही वो आ रहा था। और उस दौरान ही जो एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा चेकिंग चल रही थी, चेकिंग के दौरान वो तो चेकिंग से निकल चुका था और जैसे ही वो बाहर जाने लगा तो उसकी जो चप्पल थी वो एक्चुअली में पीछे छूट गई और एक अधिकारी ने उसकी चप्पल उठा के उसको दी। पर अधिकारी को शक हुआ कि ये चप्पल जो है वो बहुत ही मामूली सी है पर इसका वेट जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके कारण उसके ऊपर डाउट होने के कारण उस अधिकारी ने उस चप्पल के फीते को खोल के देखा, जिसमें से सोने के 4 पैकेट निकले। बोला जा रहा है कि ये एक्चुअली में 12 लाख रुपए का सोना उन्होंने बरामद किया है। उसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि हर एक पैकेट से 292 ग्राम सोना बरामद हुआ है और 4 पैकेट है जो कि 24 कैरेट के है और एक्चुअली में ये 12 लाख रुपए की इसकी कीमत बताई जा रही है। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी हमारे तरफ से काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।